Hi, I'm Chef Sanjeev Kapoor. Smart Superstore presents आपके साथ आपका स्मार्ट। आजकल आप देख रहे हैं कि सब लोग घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठे बैठे बच्चों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि कुछ उनको अलग खिलाया जाए, कुछ नया खिलाया जाए, कुछ ऐसा खिलाया जाए जो उनको खुश कर सके। ऐसे में केक ऐसी चीज़ है जो उनको बड़े पसंद आती है, लेकिन केक में मतलब ऐसा होना चाहिए जिसमें मेहनत ज़्यादा ना हो, बच्चों को भी पसंद आए। अगर मैं आपको कहूँ कि फ्रूट केक अगर बनाया जाए सूजी के साथ में, सेमोलिना के साथ में, रवा के साथ में, तो कैसा रहेगा? हाँ, फ्रूट केक, लेकिन एक्चुअली बिना फ्रूट केक कैसे बनेगा? नहीं नहीं, फ्रूट जूस है मेरे पास में, तो ये जो सेमोलिना वाला केक है, सूजी वाला केक है, बच्चों के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। स्मार्ट रेसिपी है। तो ये जो केक है बड़ा सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगेगी, सारी चीज़ें मिक्स करनी है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब जैसे अंडे वाला केक होता है उसमें अंडे को फेंटना पड़ता है इसके अंदर। हाँ, थोड़ा सा प्रोपोर्शंस को ख्याल में रखना पड़ता है। ये रेसिपी बनाने के लिए दही, ये दही लेता हूँ मैं और दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छा, आपने देखा इसमें जो दही है, जो घर में जमी हुई दही है वही मैंने ली है। इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा गाढ़ी वाली दही नहीं ली है। तो ये दही एकदम स्मूथ इसको मैं फेंट लेता हूँ और चीनी की मात्रा डालनी है मुझे। ये देखिए चीनी, ये मैंने करीब एक कटोरी दही ली है, उतनी ही इसके अंदर चीनी डालूँगा मैं। जितनी दही उतनी चीनी, और चीनी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर तेल, सेम क्वांटिटी तेल की भी। तेल मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालता हूँ ये मेरे पास में सूजी। अच्छा, सूजी में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सूजी है वो बहुत ज़्यादा मोटी वाली सूजी नहीं चाहिए। अगर बहुत मोटी सूजी है तो उसको आप मिक्सी के अंदर पीस सकते हैं। तो ये मेरे पास बारीक वाली सूजी, और इस सूजी को मैं डाल देता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते हैं और इसे मिक्स करते रहते हैं। अब बारी आती है बिस्किट की। सो सेम क्रश किए हुए मीठे बिस्किट, तो ये जो बिस्किट हैं ये इसके अंदर, तो ये बिस्किट डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं इसमें, सूजी और बिस्किट जो है, ये मॉइस्चर इसका सोख लेगी। ये जितने इन्ग्रीडियंट्स हैं जो मेरे पास इन्ग्रीडियंट्स घर में पड़े थे वो मैंने लेकर इस केक को बनाने की सारी तैयारी शुरू की है। अच्छा, ये जो इन्ग्रीडियंट्स हैं अगर आपके पास घर पर नहीं है तो स्मार्ट सुपर स्टोर से आप इनको ले सकते हैं। बिस्किट डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसकी जो कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे तो इस समय काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी है, लेकिन क्योंकि जो सूजी है वो फूलती है तो इसमें से मॉइस्चर को सोक करेगी। तो इसको इसी तरह से अभी रखेंगे करीब आधे घंटे तक। तो ये फ्रूट जूस ले लेते हैं, और ये फ्रूट जूस ये लीजिए, फ्रूट जूस। और ये जो फ्रूट जूस है ये कितना मीठा है वो ज़रा चेक कर लेता हूँ। मीठा है लेकिन उतना नहीं है जितना मुझे चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं डालता हूँ ये थोड़ी चीनी, और चीनी डालने के बाद में इसको हम मिक्स करके पकने देते हैं ताकि चीनी इसके अंदर घुल जाए, ताकि ये चाशनी जैसी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, गाढ़ी चाशनी नहीं है। ये फ्रूट जूस जो थोड़ा ज़्यादा मीठा है वैसा हमें इसको टेस्ट देना है। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है और इसे थोड़ा सा पका लिया है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। देखिए इसमें मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा नींबू का रस, और बहुत ज़्यादा नहीं, नींबू का रस, नींबू का रस डाल दिया, मिक्स कर दिया। इसे बंद कर देते हैं। ये जो बैटर है इसका क्या हाल है ये चेक कर लेते हैं। यस, लुक एट दिस, ये सूजी अब काफ़ी फूल गई। और अब इसके अंदर डालते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इसे मिक्स करते हैं। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थिक हो गई है, तो इसके अंदर अब जाएगा दूध थोड़ा। ये दूध डाल के इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमने जरा कर दी पतली। बिस्किट भी है इसके अंदर, बिस्किट भी सोक करेगा।
अब इसको रख देते हैं और ये मेरे पास में बेकिंग टिन और इसमें लगाते हैं हल्का सा तेल और आप चाहें तो इस पर हल्का सा मैदा भी छिड़क सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से ये जो बैटर है इसको डाल देते हैं हम इस बेकिंग टिन के अंदर। ट्रे के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट है ये हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, तो ये इसके अंदर और फिर इसको रख देते हैं करीब 10 मिनट तक इसी तरह से। थोड़ा सा है इसमें और जो है ये हल्का सा ड्राई होगा। सो 170 डिग्रीज फॉर अबाउट 35 मिनट्स वी हैव टू बेक इट। इसको रखते हैं, ओवन को प्री हीट कर देते हैं। ये बढ़िया सी रेसिपी है, बच्चों की फेवरेट है, इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर नहीं मिले तो स्मार्ट सुपर स्टोर में सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं।